नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, जो कि 21 जून सन 2020 को लग रहा है। इसका सूतक काल एक दिन पहले 20 तारीख की रात्रि 9:16 से स्टार्ट है और इस ग्रहण की जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो 10:17 से है और मोक्ष काल 1:47 तक रहेगा। इसके बाद जो भी जातक किसी भी परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो दान करें तो वो श्रेष्ठ रहेगा। हमारे किसी भी त्योहार को या किसी भी तरीके की कोई भी भौगोलिक घटना हो रही है या उसका आध्यात्मिक महत्व में दान को बहुत ही अहमियत दी गई है। किस राशि वालों को क्या दान करना चाहिए ये तो आप सब सुनते आ ही रहे होंगे, पर साथ साथ मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, कोई भी शारीरिक व्याधि से जूझ रहा है या किसी तरीके से मानसिक परेशानी से जूझ रहा है तो उसके लिए एक अचूक उपाय जो कि आप सभी कर सकते हैं, कांसे की कटोरी में देसी घी भरकर उसके अंदर अगर आप सक्षम है तो चांदी का सिक्का या नहीं तो वैसे कोई भी सिक्का एक डालकर अपना चेहरा देखकर अगर उस घी को आप दान करेंगे मोक्ष काल के बाद स्नान करने के बाद तो ये आपके किसी भी तरीके के शारीरिक कष्ट से आपको मुक्ति दिलाने में सक्षम रहेगा। ग्रहण का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, अगर साधक हैं तो अपने मंत्र जाप करके मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है, और अगर हम परिवार में हैं, गृहस्थ हैं, तो इसका लाभ किस तरीके से ले सकते हैं ये जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूंगी। इस पीरियड का हम अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपने अशांत ग्रह को शांत करने के लिए, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, घर के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ग्रहण काल में ग्रहण से पहले नहा धोकर एक स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और जिस भी राशि के आप हैं अगर वैसे आसन पर बैठते हैं तो वो आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। पूजा में ज्यादातर रेड या येलो कलर का ही आसन अगर प्रयोग करते हैं तो वो काफी ऊनी आसन हो तो वो काफी श्रेष्ठ रहता है। इस समय अगर आप मंत्र जाप करते हैं, सभी के लिए एक अचूक उपाय है कि राहु केतु इस समय ग्रहण के समय पे बहुत प्रबल हो जाते हैं, इनसे संबंधित दान और मंत्रों को अगर किया जाता है तो अनिष्ट ग्रह जो हमें दुख देते हैं या परेशानी में ला रहे हैं, अंतर प्रत्यंतर में कहीं राहु केतु का प्रभाव हमारी जिंदगी पे है तो इन मंत्रों को आप ज्यादा से ज्यादा जाप करें और मोक्ष काल के बाद आप स्नान करके दान करें राहु से संबंधित चीजें, जिसमें कि आप मान सकते हैं कच्चा कोला है, आप काले सफेद कपड़े हैं, ब्लू कलर के कपड़े हैं, शीशा है, राहु से संबंधित चीजें हैं, कोई भी चीजें घर के अंदर से कवाड़ा है कुछ, वो सारी चीजें आप निकाल दें तो वो आपके लिए इस ग्रहण के समय काफी उपयोगी रहेगा। राहु और केतु इस समय ब्रह्मांड के अंदर एक्सिस में होते हैं, जिसकी हम प्रबल रूप देख सकते हैं कि सूर्य भी अपने प्रकाशहीन हो जाते हैं, यानी प्रकाश ग्रहण लग जाता है उनको, और चंद्रमा अस्त होते हैं तो मन को मजबूत करने के लिए दूध दही पनीर पानी का उपयोग किया जाए तो ये काफी श्रेष्ठ रहता है। किस तरीके से हम अपनी राशि को बलवान कर सकते हैं, हमारे ब्रह्मांड के अंदर 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों को 12 राशियों के अंदर डिवाइड किया गया है। इस समय जो ग्रहण पड़ रहा है वो मृक्षरा नक्षत्र के अंदर पड़ रहा है, मिथुन राशि के अंदर पड़ रहा है, तो मिथुन राशि वालों के लिए काफी कष्टकारी भी सिद्ध हो सकता है क्योंकि इसी मृक्षरा नक्षत्र के अंदर राहु ने प्रवेश कर चुके हैं और सूर्य और चंद्रमा जब उसी सेम एक्सिस पे आते हैं तो ग्रहण की उत्पत्ति होती है। उस समय ब्रह्मांड में एक तरह से सप्लाई का रुकना ये माना जाता है, तो इस समय हम अपने लग्नेश को स्ट्रांग करें, किसी की भी जो भी लग्नेश है, क्योंकि इसके इस समय ब्रह्मांड के अंदर 6 ग्रह वक्री हैं और राहु केतु के प्रभाव से ये 6 ग्रह और चंद्रमा सूर्य यानी 8 राशि वालों पर इनका असर रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोग अपने लग्नेश को स्ट्रांग करें, जो भी सभी जानते हैं कि हमारी राशि क्या है, अगर मेष और वृश्चिक राशि है तो मंगल को स्ट्रांग कीजिए, अगर वृषभ और तुला राशि है तो शुक्र को स्ट्रांग कीजिए, अगर आपकी मिथुन और कन्या राशि है तो बुध को स्ट्रांग कीजिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो सूर्य को स्ट्रांग कीजिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो चंद्रमा को स्ट्रांग कीजिए, अगर आपकी धनु और मीन राशि है
तो आप गुरु को स्ट्रांग कीजिए। अगर आपकी मकर और कुंभ राशि है तो शनि को स्ट्रांग कीजिए। लग्नेश को स्ट्रांग करना एक बहुत ही अत्यधिक जरूरी चीज है, क्योंकि अगर हमारा शरीर या हमारा मन स्ट्रांग होगा तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति के साथ लड़ सकते हैं, और जब हम लड़ेंगे तभी हम किसी चीज पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, पर उसका सही ज्ञान होना आवश्यक है। तो राहु केतु के मंत्रों का जाप कीजिए, अपने लग्नेश को स्ट्रांग कीजिए। जिस तरीके से ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य चंद्रमा को जितना स्ट्रांग करके आप चलेंगे, खाने पीने की चीजों में बदलाव करके भी हम ग्रहों को स्ट्रांग कर सकते हैं। जिस ग्रह से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, लग्नेश जो है उस ग्रह से संबंधित, सात ही कलर की हमारी किचन के अंदर आपको दालें मिलेंगी, तो अपने लगन से जो लग्न या राशि है वो दाल आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। ग्रीन कलर का सेवन इस समय ज्यादा करेंगे तो ग्रीन कलर को बल मिलेगा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि के अंदर जो ग्रहण पड़ रहा है तो मिथुन राशि वालों के लिए काफी कष्टकारी सिद्ध हो सकता है, तो अपने को स्ट्रांग करना बनता है। ये है छोटी छोटी सी जानकारियां जो कि हमें इस ग्रहण काल के अंदर हमें कष्टकारी समय से बचा सकती हैं। पहले सबसे पहले अपने को स्ट्रांग कीजिए, अपने परिवार को स्ट्रांग कीजिए पॉजिटिव वातावरण देकर, उस साथ ही साथ समाज भी स्ट्रांग होगा। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं या बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो ये भी, जिस तरीके के समय महामारी ने पैर पसार रखे हैं, तो उसको दूर करने में काफी सक्षम होगा। तुलसा जी के पत्र को जो भी फ्रिज के अंदर कोई सामान, पहली बात तो आप कोई बना हुआ सामान घर में रखे ही नहीं रात को, और सुबह जो भी हो वो ताजा ही बनाएं। अगर कोई चीज रखी है ग्रहण के समय में बनी हुई, उस समय बनी हुई फ्रिज में या कहीं रखी है, तो तुलसा जी या दुर्वा के पत्ते डाल दिए जाए। गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय काफी ही सावधानी पूर्वक बिताने का है, अपने साथ साथ अपने घर में पल रहे बच्चों का भी एक महिला को ध्यान रखना होता है। तो इस समय कोई चीज काटे नहीं, कोई चीज सिले नहीं, कोई चीज सेके नहीं, इस समय सिर्फ ईश्वर का स्मरण करें। कोई भी अपना धर्म ग्रंथ उठाकर उसको पढ़ सकती हैं, नहीं तो कोई भी बीज मंत्र आपको गुरु का कोई मिला हुआ है तो वो आप कर सकती हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र कर सकती हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं, और अपने बच्चे के स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से कर सकती हैं। तो ये जो समय आ रहा है ग्रहण का, 21 जून जो ग्रहण पड़ रहा है, घबराने की जगह सावधान होने की जरूरत है, और सावधानी हमें किसी भी दुर्घटना से बचाने में सक्षम है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने ग्रहण से संबंधित आपको जो जानकारी दी है, उम्मीद करती हूँ कि ये सब आप जरूर आपके काम आएगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।